हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, इवनिंग का समय हो चुका है यानी शाम के बज चुके हैं 8 और अभी जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं पार्टी वेन्यू। तो समझ सकते हैं मज़ा आने वाला है ना। तितली तो तितली मम्मा तैयार हो रही है, बाकी सभी लोग आ रहे हैं तो मैं आपको एक एक करके मिलवाता हूँ, सभी को दिखाता हूँ। बाकी सचिन भाई अभी जस्ट निकले हुए हैं क्योंकि उन्हें पहले जाना था और इन लोगों में थोड़ा सा लेट था, तो पूजा वगैरह ये लोग अभी आएंगे तो सभी चलेंगे। बाकी जो हमारा होटल है ना गाइज, वो बहुत ही खूबसूरत है। सच बताओ तो मैं आपको दिखा दो पहले होटल कितना नज़ारा जो है होटल का ना बहुत खूबसूरत है। तो अभी मैं नीचे आ गया आप लोग को नज़ारा दिखाने के लिए। थोड़ा एकदम नेचुरल, मतलब थोड़ा वाइब्स जो है ना वो एकदम गोवा वाली टाइप की आ रही है। और ये ऊपर हमारा रूम है। हाँ जी आ जाओ, रूम लॉक करना मनीषा वाला भी, रूम लॉक करना होगा कर देना। हाँ रूम लॉक कर दो। अब वो बोला बोलो निशा को मेरा फ़ोन ले लेगी, एक और फ़ोन चार्ज में लगाइए। तो ये ज़बरदस्त प्लेस है और मस्त वाला एक बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पे बहुत बड़ा। तो अभी यहाँ पर आएंगे तो वहाँ से होगा डांस मस्ती खूब सारा बहुत ज़बरदस्त वाला। ए दीदी दीदी बाबा अभी निशा भी आ चुकी है नीचे, तितली मस्त रेडी हो गई और रुद्र भाई गाड़ी निकाल रहे तो भी हम लोग चलेंगे। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं था, 5 मिनट का रास्ता था अपने पार्टी वेन्यू। और यहाँ पे कार अभी पार्क करेंगे रुद्र भाई हमारे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने वेन्यू पे एंड इधर मेरी तितली है, इसको नींदी विन्नी कुछ नहीं आती, इसको सोना वोना कुछ नहीं है, इसको एंजॉय करना। मानसी भी इधर प्यारी तितली लग रही है, मानसी मानसी तितली भी प्यारी प्यारी लग रही है मेरी, है ना। बाकी यहाँ पे तीन तीन ब्यूटीफुल लेडीज, अच्छा हम भी, अच्छा भाभी मेरी कितनी प्यारी लग रही है। हम लोग का ब्लू ब्लू, इन लोग का भी पता नहीं कितने बार सैकड़ों बार एनिवर्सरी विश कर दिया। हाँ साथ रहने से हैप्पी एनिवर्सरी। और आज बहुत ही बड़ा ये खुशखबरी है। तो गाइस ये है देखिए, यहाँ पर गुड न्यूज हो रहा है रिवील। और रुद्र भाई गुड न्यूज है, आज एनिवर्सरी है, आज एनिवर्सरी है। सच में अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, गुड न्यूज है लेकिन मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइस पार्टी हॉल जो हमारा है वो बहुत ही जबरदस्त है और ये पूरे मुझे लग रहा है कि राजगीर में फेमस है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखा दे रहा हूँ इस ब्लॉग में, हालांकि वो अब कल के ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा आपको अच्छे से, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ। ये है वो नज़ारा और अभी हम लोग अभी पार्टी हॉल के अपने बाहर है, ये है वो ज़बरदस्त जिसके अंदर जाना है अभी हमें और यहाँ पे हमारा पूरा पार्टी होगा। किसके पास अच्छा वाला आईफोन है, मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास ही है, क्या करोगी खींच दे। तो गाइस चलिए थोड़ी देर में ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा हम फोटो खींच दे इनका। गाइस यहाँ पे मेरे प्यारे लंबू भैया जो कभी एक साथ फ्रेम में नहीं आ पाते, या तो हमको इससे होना पड़ता या तो थोड़ा इनको झुकना पड़ता। यस नाउ या तो इनका गर्दन आता है या तो मेरा मुंडी आता है, दोनों में से किसी एक का। अभी अभी मुंडिया का फोन आया था अभी इसकी वीडियो भैया हैप्पी एनिवर्सरी सब लोग और कुछ और भी सब्सक्राइबर मिल गए। अच्छा वाह भैया जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे इनको मतलब एकदम क्या बताए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग सामने से देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आज जितने सब्सक्राइबर मिले ना मेरे को लग रहा है कि एक तो इसकी शादी में मिले हुए थे और आज तो बहुत मिला, आज तो मतलब लगभग लगभग लग रहा है मेरे को 500 हो गया होगा। हाँ हम लोग वहाँ पे गए केक कटिंग के टाइम पे 200-300 हो गया होगा। अभी दुकान में गए थे ना ये लोग सब सब्सक्राइबर बेल्ट वेल्ट ला कर दिए, उसमें जो कस्टमर है वो भी सब्सक्राइबर है, लाभ के लिए वो भी सब्सक्राइबर है, हम लोग को वहाँ मिला है केक कटिंग के टाइम पे, केक कटिंग के टाइम वो सब सुबह से वेट कर रहे थे, वो लोग सुबह से वेट कर रहा था कि सचिन मैं आएंगे क्योंकि वीडियो में आएंगे और वहीं पे वो हम लोग गए, वो लोग आए थे तभी। राजगीर में हम लोग एक दिन और हैं तो आई थिंक ग्लास ब्रिज के वहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने बोला था ग्लास ब्रिज पे जाएंगे तो वहाँ तो ग्लास ब्रिज का कल हम लोग अभी अरेंज कर रहे हैं टिकट जाएंगे कल
हाँ क्योंकि संडे है ना, कल का पूरा टिकट सोल्ड आउट है, लेकिन कुछ इंटरनल अभी बात चल रही है। ये मुझे बहुत ज्यादा मन था जाने का, तो ये लेके मुझे मजा आएगा। तो भाभी को चलते, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। इधर हम लोग जल्दी केक कट वाला सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। तितली इधर मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। बेटा बैठो बैठो बैठो, इधर आ इधर आ इधर 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 उधर। मानसी को देखो भाई, मानसी उधर स्लाइड कर रही है ऐसे, इधर ही इसको देख देख के। और इसी वहां से मेरा बेटा शो हो गया इधर। बाकी उधर फोटो सेशन चल रही है भैया भाभी की, तो एज यूजुअल बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। एंड इधर मेरी प्यारी सी पूजा, पूजा घूमना जा रहा है भाई, नहीं जानता गाइस मेरे बाल नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है। पूजा पता है बस ऐसे लेटी हुई थी, उठी फटाक से साड़ी चेंज की और एकदम से आ गई, मतलब समझ रहे हो ट्रांजिशन, ऐसे सोई हुई थी और ऐसे उठी फटाक से साड़ी चेंज। इसको कहते हैं पूजा का मैजिक, इसको देखने के लिए आप रुद्र पूजा को फॉलो करें। मजा आ गया इसे, जल्दी मैं कहने पूजा चेंज कर ले, पूजा चेंज कर ले। अरे यार खड़े होने की भी शक्ति नहीं है ऐसा लग रहा है मेरे अंदर, लग रहा है कि बेहोश हो जाऊं। ट्रैवल कर रहे हैं बस सुबह से, बस कुछ नहीं कार में बैठे बैठे ही थक जाते हैं, जबकि जो लोग ड्राइव करते हैं उन लोगों को पता है और ज्यादा थकावट होती है। लेकिन मेरी तितली, अरे यार तितली कल ऐसे स्टेज का सारा फूल तोड़ दी थी, आज यहाँ के इनका पौधा तितली गजब की बिता। तो देखते हैं चलते हैं अंदर, दिखाते हैं जैसे जैसे होता है। और होटल तो बहुत प्यारा है, ऊपर से आप लोग व्यू देख सकते हैं यहाँ पे मस्त। ये तो बात सही है, बाकी हमारे रुद्र भाई हमारे पार्टनर तो बहुत लोग कमेंट्स करते हैं भाई आप लोग दोनों आदमी को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है। तो सच में बताऊँ तो रुद्र भाई है भी कमाल के आदमी, और टचवुड नज़र नहीं लगे, बहुत प्यार देते हैं हमें, हम लोग भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बट हमारा बिटुआ थोड़ा सो गया, थैंक यू इतना पढ़ाई करने के लिए। और कुछ बोल दीजिए हमारे बारे में, सब ठीक है। बाल बाल तो भाई मैं इसके करना रील्स नहीं बना रहा हूँ कसम से, मैं बताऊँ तो कैसे कैसे एक रील्स में मैं आया हूँ रुद्र भाई के साथ, वो भी हमारा वाला रील्स था, वो भी वायरल चल रहा है, मजा आ गया। बट चलिए कोई नहीं, बाल आ जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी। अभी आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिए। लोग दो दिन तक राजगीर में हैं, तो जिनको जिनको मिलना है कल राजगीर में रहेंगे, इंस्टाग्राम पे नंबर ले लो। अरे बाप रे भाई, 9163 नहीं भाई तो भाई मजाक करते हैं, नहीं भैया नंबर लेकिन नहीं नहीं भाई मैं ब्लॉग इंड कर रहा हूँ, आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए। राजगीर में हूँ मैं, मिल लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ जाऊँगा मैं बता दूंगा लोकेशन। तो चलिए आज के इस खास ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। दीदी अपने मामी के साथ जा रही है और अंदर चलते हैं क्योंकि अब होगी एनिवर्सरी पार्टी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग पहुँच चुके थे वेन्यू पे, चलते हैं अंदर। ये तो फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और आने के बाद सचिन भाई इधर बैठे हुए हैं हैप्पी एनिवर्सरी के लिए, वो डेकोरेट कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे, डेकोरेट करेंगे 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 जी है। एक और आ गई काजल, है रोमांची, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैग में होगा, क्या हाल चाल है जी? बस ठीक है, आप ठीक कैसे? बस ठीक है, कब आए? आ जाइए चलिए जल्दी चला जाओ बैठो। तो यहाँ पे अभी सभी बैठ चुके हैं मस्त, और पीछे लग चुका है हैप्पी एनिवर्सरी, पूजा है, रुद्र भाई है, मनीषा, सचिन भाई, तितली, निशा, मिथुन, काजल, प्रिंस, ये राम मैं, और ये अब करने वाले हैं स्टार्टर ऑर्डर, अलग से सचिन भाई ने ऑर्डर कर दिया है। तो गाइस अब बारी है फाइनली केक कट होने की, और निशा केक लग चुका है और जल्दी जल्दी अभी केक कटेगा, बिल्कुल चलो जल्दी जल्दी, कमल कमल रेडी, नहीं 100 हो चुकी, रेडी एंड गो। तो फाइनली अभी केक कट हो गया, बैठ गए, खाना पीना खा लिए, तो गाइस फाइनली वक्त हो चुका है केक कट होने का। तो 4 साल होने वाले हैं इस खुशी में, 4 कैंडल जले गया, हम लोग ये तीसरा केक काट रहे हैं, अपना अपना मुंह बचा ले क्योंकि मेरे हाथ में है, क्या है रुद्र भाई को देखो,
सुधीर भाई बाबू है लेडीज को नहीं लेडीज को नहीं मारेगा गलत है बात है ऐसे प्यार हैप्पी एनिवर्सरी सचिन भाई एंड मनीषा मैं गॉड ब्लेस यू खूब दिन जियो हजारों वर्ष जियो एकदम हैप्पी एनिवर्सरी हल्का बैक 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 हल्का पूरा है नहीं ऊपर पूरा है थोड़ा अच्छा आता है वीडियो अच्छा है इतना बार प्रणाम कर रही है हम यहाँ छुपे फिर भी कैसे देखें इसे अरे इधर निकल बस बस कैमरा कैसा लगा कैसा तुम्हारा लाइक अब मारो अभी जाके मजा आया तो गाइस अभी क्या बताऊं कान में गुनगुना रहा है थैंक यू ओ भाई यार मेरे कान में घुस गया गुनगुना रहा है पैंट के अंदर नहीं मार रहा है इजी है अंदर सबसे ज्यादा ये कान में कुछ गुनगुना रहा है हां मेरे भी कान में मेरा भी वही कर रहा है इस टाइम पे दुहाल लो बाबू मानसी बाकी पूजा का करना जो है ना अपने आप सूख जाता है ये भी बात सही है हट गया अरे सही में यार जम गया यार ठंडा से क्या नहीं मैं खिलाते हैं हां निशा खिला दो यार ए सचिन को हमने खिलाया इधर देखो वाओ क्या बात है खाली हम आपको खिलाए आई मिस्टर मैं ए वो क्या है हम खाली है एकदम रोटी टाइट हो रहा है जैसे गाली कर रहे हैं क्या दिस हो रहा है हम कैसे खिला रहे हैं और चांदी रखो ना लीजिए मोमबत्ती कौन खिलाता है भाई मोमबत्ती उठा ली है गलती से यार सचिन मोमबत्ती खा रहा है अच्छा लगा लो हम मानसी को देख के हंस रहा है वही तो देख के चुपके से अपना जॉब करने को आ रही है ये मैं सब नहीं खिला ले जल्दी जल्दी मानसी तुम्हारे लिए वो खाओ बेटा कोई बात नहीं मानसी ये लो भाई उठा के जल्दी खाओ पूरा लो खा लो मेरा गुलाब तो फूल रखे है ना हां संभाल कार पे भी डिनर हमारा कंप्लीट हुआ केक वेट कर लिया और आंटी ये हमारा आधा घंटा से इंतजार कर रही थी तो थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार करते हैं बहुत अच्छा लगता है जहां पर मिलते हैं और आप सभी को खूब ब्लेसिंग दीजिए प्यार दीजिए ऐसे ही देखते रहिए आंटी हम लोग घर आपका क्या नाम है मेरा सलोनी अच्छा सलोनी चलो मेरी बहन का भी एक नाम है चाचा की बेटी है उसका सलोनी ही नाम है यहाँ तो यहाँ हम लोग यहाँ भी नानी घर में मतलब हम लोग की फैमिली में सब लोग आपको लोग देखते हैं पूरे फैमिली हम लोग में नहीं है सचिन भाई का पूरा परिवार का हम लोग किदा वाला फैन बन गए मम्मी बोली कि चलो ये बहुत अच्छा है तो वहाँ सब आप लोग का प्यार है अरे यहाँ पर गाड़ी पड़ा से वहाँ से पैदल ही आए थे आके हम लोग वहाँ से देखे तो आप लोग एनिवर्सरी क्या जरूरत थी हम लोग देखते हैं आपको अरे हैप्पी एनिवर्सरी
की जरूरत बिल्कुल। हम लोग यहीं थे, हम लोग अभी टीवी पर जस्ट देख रहे थे, तो मेरा बच्चा बोला कि यहाँ पे हैं भैया लोग, हम बोले कि चलो, तो ये हम पूरा खाए हैं। चांदी का राखी लेके आई हम भाई 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 गरीब बाहर की तरह। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए, आप आइए कभी भी, सेवा ना वाला ये, ठीक है, रोना नहीं है, रो क्यों नहीं है, हम लोग तो बच्चे हैं घर के, रोना किस लिए, अगली बार आएंगे तो आपके घर आएंगे, ठीक है, फिर रोना नहीं है, रोना फिर रोइएगा तो फिर बात नहीं होगा। कल ही चल चलेंगे, टाइम मिलेगा तो। हाँ अगर हम लोग रहेंगे कल, रुकते हैं तो आपसे जरूर मिलेंगे। ब्लॉग हम लोग सुने कि सवेरे सचिन भाई बोल रहे थे नंबर दीजिएगा, ठीक है।